हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छा चल रहा है ना? आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि आप कौन से ऐसे 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं 14,000 की बजट में जो आप 100% ख़रीद सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि हम कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं ऐसे 3 मोबाइल बताऊंगा जो आप 100% ख़रीद सकते हैं। जो थर्ड रैंक का मोबाइल है वो है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M21। चलो आइए उसके स्पेसिफिकेशन देखते। तो उसमें हमें मिलेगा ट्रिपल कैमरा, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, सुपर स्टेडी वीडियो, सुपर अमोल्ड डिस्प्ले, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, 6000 की बैटरी है, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग है विद टाइप सी, एक्सनॉस प्रोसेसर है, और इसमें 2 वेरिएंट है, 4GB और 64GB, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। गेम बूस्टर मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और जो इसका 4GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज का जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 14,000, और वो आप amazon.in से ख़रीद सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं और ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। सेकंड रैंक का मोबाइल है रेडमी का रेडमी नोट 9 प्रो। चलो आइए उसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसमें आपको मिलेगा रेयर कैमरा 48 मेगापिक्सल विथ क्वाड कोर कैमरा, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 2.3 GHz का, मेमोरी 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, और ये एक्सपांड हो सकती है 512GB तक। और अब बैलेंस डिज़ाइन है, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, डिस्प्ले फुल HD प्लस डिस्प्ले है, बैटरी 5020 की है, और प्रोटेक्शन 3D कॉर्निंग ग्लास है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसके साथ आता है। जो नेक्स्ट फर्स्ट रैंक का मोबाइल है वो है रियलमी का रियलमी 6, जिसके स्पेसिफिकेशन है 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले आता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, हेलियो G90T ये प्रोसेसर है, 30W का फ्लैश चार्जिंग है जो 60 मिनट्स में फुल चार्ज होता है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिए हुए हैं, और रियलमी का UI है। इसमें 2 कलर आते हैं, कॉमेट ब्लू और कॉमेट वाइट। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, कौन सा मोबाइल आप ख़रीद सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने एक कंपैरिजन बनाया है, वो देखना पड़ेगा। देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 है, जिसका प्रोसेसर है एक्सनॉस ऑक्टोकोर, नोट 9 प्रो का है स्नैपड्रैगन 720G, Realme 6 का है MediaTek Helio G90T, और सभी का स्टोरेज है 64GB। रेयर कैमरा में डिफरेंस है, सैमसंग का 48 मेगापिक्सल आता है, Redmi Note 9 Pro का 48 मेगापिक्सल आता है, और Realme 6 का 64 मेगापिक्सल आता है। इसमें Realme 6 जो है वो कैमरा में आगे निकल चुका है, और इसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो बैटरी देखिए, 6000 की सैमसंग को गैलेक्सी M21 को बैटरी है, 720 की रेडमी 9 प्रो को बैटरी है, नोट 9 प्रो को, और रियलमी 6 को 4300 की है। तो इसमें सैमसंग गैलेक्सी M21 बैटरी में
बहुत आगे है। उसके बाद हम डिस्प्ले की साइज देखें तो लगभग सेम है, सिर्फ Redmi Note 9 Pro की थोड़ी ज़्यादा है। रैम देखें तो मैंने सभी वेरिएंट 4GB रैम के लिए है और 64GB स्टोरेज के लिए है, तो रैम सबकी सेम है। फ्रंट कैमरा में सैमसंग गैलेक्सी M21 आगे है जो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा प्रोवाइड करता है और दोनों में वाटरप्रूफ है। Redmi Note 9 Pro का जो वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है, जिसके हिसाब से Realme 6 का जो टेस्ट है वो बहुत ही सक्सेसफुल है। इसलिए इन सभी मोबाइल में मैंने Realme 6 को रैंक 1 दिया है। और तीनों में डिस्प्ले कौन सा आता है तो सैमसंग का खुद का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो बहुत ही अच्छा है, और रेडमी और रियलमी का IPS LCD डिस्प्ले है जो कॉमन है। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। फ्लैश जो रहता है जो दोनों मोबाइल को है, रियलमी और रेडमी के मोबाइल को LED फ्लैश है जो सैमसंग में नहीं आता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी तीनों मोबाइल्स की बहुत ही अच्छी है। और प्राइस सेम है, 13,999। और ये ख़रीदने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मेरी ओपिनियन से जो प्रोफेशनल यूज़र है, जो ऑफिस यूज़ के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सैमसंग M21 भी बहुत अच्छी चॉइस है। जो वाटर रेजिस्टेंट मोबाइल की ज़रूरत इतनी नहीं समझते हैं उनके लिए Redmi Note 9 Pro अच्छी चॉइस है, और जो फीचर के हिसाब से और वाटर रेजिस्टेंट के हिसाब से मोबाइल लेना चाहते हैं और सभी फीचर अच्छे चाहते हैं, कैमरा के हिसाब से अच्छा मोबाइल चाहते हैं, तो वो Realme 6 को अपना चॉइस बना सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन, आप भी आपका ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मोबाइल का जो क्वालिटी है वो कैसा लगा, और आगे जो आने वाली वीडियो है वो भी देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।